किसान हौसे दंगल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे और आज श्री अर्जुन बाबू पशु मेला एवं हाट बाजार मुजफ्फरपुर बिहार में मैं मौजूद हूं और इस मेला के जो आयोजक हैं पूर्व मंत्री श्री राम सूरत राय जी बिहार सरकार और उनके लड़के हैं सुभाष जी। और आइए हम बात करते हैं इस मेले में। घोड़े तो बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं लेकिन एक घोड़ा ऐसा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा का केंद्र बना हुआ है और जहाँ पर भी जाता है इसके चाल पे लोग लट्टू हो जाते हैं। इस घोड़ा का नाम है रॉकेट और इसके मालिक हैं हरेराम सिंह मुखिया जी झुआ भोजपुर बिहार से। तो आइए हम बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे हिंदुस्तान और से दंगल चैनल पर। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान का मेला कर चुके हैं, बहुत सारे रेस लड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि घोड़ा यहाँ पे आपका क्या जलवा दिखाएगा? ये हिंदुस्तान दंगल का चैनल का स्वागत है हमारे तरफ से। ये मेला के तो कोई तुलना नहीं करना है जी। जो मेला मंत्री जी लगा दिए हैं, बहुत बढ़िया मेला लगा है और सुभाष जी के देन है जी। मैंने देखा इस मेला में जितने मूर्ति देखा जाए, हम दुनिया में किस मेला में इतना मूर्ति नहीं देखे जी। पहला नंबर बात है जी। ये बताइए कि आप बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर मेला जो कि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है अपने चाल के लिए, अपने चलावा के लिए, बीच में मेला जरूर डिस्टर्ब हो गया था लेकिन इस बार जो वहाँ का रेस हुआ है वो रेस आपके नजरिए से कैसा रेस हुआ है? ईमानदारी के रेस हुआ है, बहुत अच्छा जी। आज 10 साल से वो मेला जो हुआ गया था लेकिन अब की बार जो हुआ तो सही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है जी। जो सुप्रीम कोर्ट घोड़े का मामला में कहा जाता है जी जी, ये सही सुप्रीम कोर्ट है लेकिन सही फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है जी। ये बताइए थोड़ी सी, एक ब्रह्मपुर के बाद एक रेस में आपका घोड़ा गया था, वहाँ पे पोजीशन प्रथम का नहीं ले पाया था, क्या घोड़े में उस टाइम दिक्कत क्या था, प्रॉब्लम? दिक्कत यही हुआ जो 8 बजे रात में हमने घोड़ा लादा और गए वहाँ 750 किलोमीटर, 11 घंटा जाने में लगा जी। 2 दिन टाइम रह गया रेस का, 1 दिन मेरा वहाँ घोड़ा हकाया जी, पूरा काम घोड़ा थकावट में हो गया जी। इसके बाद वहाँ कुछ हमारे साथ गड़बड़ी भी किया गया, लामा लामा टाइम लेते थे लोग, पहले हमारे घोड़ा घुमवा दिए, दौड़वा दिए, इसके बाद 3 घंटा के बाद फाइनल हुआ जी। मतलब घोड़ा ठंडा गया, घोड़ा ठंडा हो गया गर्म, मतलब शुरुआत में सेमीफाइनल प्रथम में आपका घोड़ा था, फर्स्ट किया था सेमी में प्रथम निकालने के बाद, और फाइनल का मतलब जो समय था 3 घंटा का लगभग अंतर था, घोड़े सब ठंडे हो गए, सब ठंडा हो जाते जो पहले वाला घोड़ा। अच्छा चलिए, रेस में होता है, वहाँ का भी रेस ठीक हुआ और घोड़ा भी आपका उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप गए थे, इस इतनी दूरी से घोड़ा काम नहीं किया सही में, कोई भी अगर घोड़ा नहीं काम किया, कुछ हमारे साथ गलती भी किया गया जी जी, और घोड़े से घोड़े के घेरवा दिया गया। अच्छा भी किया वहाँ पे इस मेले में, घोड़ा क्या चलावा करता है दुनिया जानता है उस घोड़े के बारे में, कितने जगह हम मारे जी, और घोड़ा हमको क्या मारेगा, यदि वो लड़ेगा तो हम घोड़ा के बाजी खेल जाएंगे, जो शक्ति है तो लाओ यहाँ मुझे लड़ ले हमारे साथ, ये मेरा दावा है कि घोड़ा दे देंगे तो घोड़ा जोड़ के चला जाएगा जी। हाँ सही निर्णय करना है, जैसा कि मुखिया जी दावा कर रहे हैं कि जो घोड़ा और जो मलिहाबाद में मुझे मारा है अगर वो मार देता है तो हम घोड़ा छोड़ देंगे, ये तो समय बताएगा। दूसरी चीज है ये मुखिया जी बताइए, आप घोड़ा आपके दरवाजे पर लगभग 3 साल से जी जी, 4 साल, 4 साल हो गया, कोई आपसे खरीदने के लिए बोला है कि नहीं? बहुत लोग हमसे मांगा, बहुत लोग मांगते हैं जो मुखिया जी बेचिएगा, हमने बताया जे यदि घोड़ा बेच देंगे तो समझिए जो पूरा बिहार बेच दिए। अच्छा इतना लगाव है घोड़े से, इस घोड़े से जी, जी। और हो भी क्यों नहीं, बिहार के मान सम्मान रखा, आज पूरे हिंदुस्तान में जो ये घोड़ा चर्चा का केंद्र बना है, और सबसे खास बात यह है कि इस घोड़े का नाम जो घोड़े के मालिक है मुखिया जी से जाना जाता है, बहुत घोड़े ऐसे हैं कि घोड़े के नाम से मालिक का नाम जाना जाता है लेकिन यही एक घोड़ा है जो कि अपने मालिक हरेराम सिंह मुखिया जी झुआ भोजपुर बिहार के नाम से जाना जाता है, और पूरे हिंदुस्तान में मुखिया जी का नाम ले लीजिए तो घोड़े के लोग नाम बता देते हैं या घोड़े को लोग पहचान जाते हैं कि झुआ मुखिया जी का घोड़ा रॉकेट घोड़ा, और आज वाकई में पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का केंद्र है इस चलावा जो घोड़ा चलता है, रुतबे के साथ अगर कहीं पर भी मेला में उतर जाता है तो लोगों की भीड़ जमा जाती है। क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि रेस में यहाँ पे घोड़ा क्या पोजीशन रहेगा आपका? हमारा पोजीशन
ऊपर वाले कहते रहे हमको तो उम्मीद है हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे जी आप और मंत्री जी हमको गाड़ी देंगे ये गाड़ी के रेस होती है जी जी। और ये बताइए आप अभी कितने मोटरसाइकिल जीत चुका है घोड़ा? अभी तो चार मोटरसाइकिल जीत चुके हैं। चार मोटरसाइकिल जीत चुका है। मुझे याद है कि शायद पहला मोटरसाइकिल जहानाबाद जो रेस टाइमिंग का होता है वहाँ पर ये घोड़ा प्रथम मोटरसाइकिल जीता था। और मैं बता दूं कि इस बार भी वहाँ पे 26 अप्रैल 2023 को फिर टाइमिंग वाला दूसरी बार रेस है जिसमें वहाँ पे प्रथम पुरस्कार बुलेट मोटरसाइकिल रखा गया है। तो क्या आप इस बार तैयारी क्या कर रहे हैं? वाले है, इस बार भी जाएंगे जी, जी, जी। बुलेट पे चढ़ने का मूड हो गया है। और ये बताइए ये मेला के बारे में कि ये मेला कैसा लगा है पूरे हिंदुस्तान में? आप राजस्थान भी घूमे हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश बिहार का तहर मेला आप घूमे हैं, यहाँ का मेला कैसा लग रहा है? यहाँ के मेला का कोई प्रशंसा करने की जो नहीं, बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे मेला साल ये जो मेला इतना भी प्रशंसा किया जाए तो कम है। इतना व्यवस्था जी हम किसी मेले में नहीं। और सही सच बात है, बहुत लोग बहुत घोड़े मालिक से बात हुआ, लोग सभी लोग यही बोले कि पूरे हिंदुस्तान में इस ठोकर का मेला नहीं लग रहा है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। पहला साल मेले का जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था मेला मालिक माननीय पूर्व मंत्री श्री राम सूरत राय जी के द्वारा किया गया है और उनके लड़के हैं सुभाष जी, और पहला साल में इतने संख्या में यहाँ पे जानवर मौजूद हैं और अलग 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 कई प्रकार के जानवर, गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ा कुत्ता पक्षी हाथी बहुत सारे जानवर आए हुए हैं। तो मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना रॉकेट घोड़ा के साथ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप यहां से मोटरसाइकिल ले जाएं। धन्यवाद। Thank you.